मैं विधायक नारायण त्रिपाठी ने संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर को पत्र लिखकर मां शारदा मंदिर के गर्भगृह में दर्शनार्थियों के प्रवेश में रोक लगाने की मांग की है। त्रिपाठी ने कहा कि विशिष्ट दर्शनार्थियों को एक विशेष व्यवस्था के साथ मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर पूजा पाठ कराई जा रही है, जिससे आम दर्शनार्थियों के बीच असहज और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा, दक्षिण के मंदिर में गर्भगृह में पुजारी के अलावा किसी के जाने की प्रथा नहीं है। महर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, विशिष्ट दर्शनार्थियों को एक विशेष व्यवस्था के साथ मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर पूजा पाठ कराई जा रही है, यह ठीक नहीं है। इससे आम दर्शनार्थियों के बीच असंतोष है, यहाँ तक कि कभी कभी विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है। इससे शास्त्र सम्मत पूजा पाठ में व्यवधान उत्पन्न होता है, साथ ही गर्भगृह की पवित्रता भी नष्ट होती है। हमारे वेद शास्त्रों में पूर्ण पवित्रता के साथ पूजा पाठ किए जाने का उल्लेख मिलता है। देश के अन्य मंदिरों में भी एक उचित दूरी के साथ पूजा पाठ किए जाने की व्यवस्था है। विधायक त्रिपाठी ने कहा कि हाल ही में मैंने दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों के दर्शन कर वहां की व्यवस्था देखी है। पुजारी के अलावा गर्भगृह में किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मंदिर की पवित्रता और उत्पन्न होने वाली असहज स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैहर मां शारदा मंदिर के गर्भगृह में भी किए जाने वाले विशिष्ट अतिथियों के पूजा पाठ को पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।